सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेटसोल्स को और बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पेट सोल्स में। और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हर डॉग ओनर को रॉटवाइलर डॉग खरीदने से पहले ज़रूर आती होंगी कि रॉटवाइलर डॉग का एग्रेशन किस तरह कंट्रोल करें। तो आज हम इस वीडियो में यही बातें बताने वाले हैं कि रॉटवाइलर डॉग का एग्रेशन और उनका जो रहता है कि वो बात नहीं मानते और किसी पे भी अटैक कर देते हैं, ये हम कैसे कंट्रोल करें। तो इसका सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है कि हम उनका ख्याल नहीं रखते और उनके साथ गार्ड डॉग की तरह पेश आते हैं, उनको बहुत समय तक बांध के रखते हैं। इसी के कारण वो एग्रेसिव होता है। अगर उनको एग्रेशन का कंट्रोल करना है तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सोशलाइजेशन। अगर हम उनके अच्छे से सोशलाइजेशन करें तो वो भी फ्रेंडली डॉग बन सकते हैं। इसके अलावा कई और डॉग ब्रीड्स भी है, जैसे डॉबरमैन, पिटबुल और रॉटवाइलर और बहुत सारे डॉग ब्रीड्स हैं जिनका अगर हम सोशलाइजेशन ना करें तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो पिटबुल या फिर कह सकते कि रॉटवाइलर का एग्रेशन प्रॉब्लम 90% तो सोशलाइजेशन से ही कम हो सकता है, और बाकी का जो रहता है वो हम उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दे के कर सकते हैं। अगर आप उन्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं तो ये डॉग भी एकदम अच्छे से रहेंगे सबके साथ। कोई स्ट्रेंजर भी आता है, यानी कि आपका कोई दोस्त आ जाता है, तो उन पर भी बात नहीं करेंगे या फिर डायरेक्टली अटैक नहीं करने जाएंगे, या फिर आपको पहले वार्निंग देंगे उनको और फिर उनको अंदर आने देंगे, यानी कि किसी पर भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे जैसे बाकी रॉटवाइलर करते हैं या फिर पिटबुल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको उनको सोशलाइज करना पड़ेगा और बाकी डॉग्स के साथ और दोस्तों के साथ मिलाना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से रहेंगे उनके साथ। ये डॉग जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा जिनसे ये मिले, फिर उनको भी प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। और अगला पॉइंट आता है कि उनकी ट्रेनिंग। अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं देते अच्छे से तो उसके वजह से भी एग्रेसिव होते हैं और आपकी बात नहीं मानते, फिर आप बोलते हैं कि हमारी बात नहीं मान रहा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने डॉग के साथ स्पेंड करेंगे उतनी ही आप दोनों के बीच में की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप दोनों बहुत अच्छे से रह पाओगे। वैसे तो रॉटवाइलर एक ऐसी ब्रीड है जिसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहे तो इन्हें फ्रेंडली डॉग भी बना सकते हैं, फैमिली डॉग भी बना सकते हैं और एक अच्छा सा गार्ड डॉग भी बना सकते हैं। वैसे रॉटवाइलर नेचुरली गार्ड डॉग ही होते हैं, पर अगर इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और बहुत सारे लोगों के साथ मिलाया जाए तो फिर ये बहुत अच्छे फ्रेंडली डॉग बन सकते हैं। सबके हाथ फ्रेंडली रहेंगे और किसी को प्रॉब्लम नहीं देंगे, ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे और किसी पर अटैक भी नहीं करेंगे। जब आप इन्हें घुमाने ले जाते हो तब अगर आप आपके आप फिर कोई ग्राउंड होगा तो आप इन्हें आप खुला छोड़ सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा कि ये जो रहते हैं खुले में घूम सकेंगे और इनको एनवायरनमेंट को जानने का मौका मिलेगा। इसके वजह से ये फ्रेंडली भी रह सकेंगे। अगर कोई वहाँ पे आता है तो उन पर डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप इन्हें घर में हमेशा बांध के रखते हो तो खुले में छोड़ने के बाद ये इधर उधर भागने लगेंगे। तो यही कारण था कि रॉटवाइलर का एग्रेशन कैसे कंट्रोल करना है। और अगर आपको और जानना है तो कमेंट करिए हमारी वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।